नमस्कार। आपको बता दे आज INDA मतलब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में अशोका होटल में संपन्न हो गई और ये चौथी बैठक थी। पहली बैठक बिहार के पटना में हुई, उसके बाद बेंगलोर में, मुंबई में, उसके बाद आज चौथी बैठक दिल्ली में हो गई संपन्न। प्रेस वार्ता खड़गे साहब ने की, प्रेस मीडिया के साथ संबोधित किया, प्रेस को सस्पेंड किए गए हैं 151, उसके लिए उसके सपोर्ट में पूरी गठबंधन INDA की जो गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन है, वो 22 दिसंबर को पूरी प्रोटेस्ट करेगी। वो 151 को जो सस्पेंड किए गए हैं उनको लेकर ये भी बैठक में निर्णय लिया गया है। जो इस बैठक में 28 दलों के नेता, बड़े नेता शामिल हुए हैं और भी कई दिग्गज लोग भी इसमें शामिल हुए बैठक में। लेकिन बैठक का सबसे अहम जो बात कहा जा सकता है, बिहार के नीतीश कुमार भी शामिल हुए, लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए, जो इस कड़ी को जोड़ने का जो काम था, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार ने किया। और पहली बैठक जो पटना में की वो बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक देखने के लायक थी। पूरी मतलब पूरे इंडिया में हलचल मच गई थी पहली बैठक से। दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक में कुछ हल्का सा डगमग नजर आई, ये चौथी बैठक भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसलिए इसमें तमाम 28 दलों के विपक्षी जो दल है उन सब 28 दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए, तमाम लोग शामिल हुए, एकजुट हुए। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस वार्ता करके तमाम तरह की जो खामियां थी उसको दूर करने की बात की और आगे अब जो भी निर्णय लिया जाएगा सीट शेयरिंग का हो, वो 28 दलों की बैठक अब लगातार इस पर नजर रखेगी कहां किस तरह से आगे कार्य करना है। मतलब कि जो INDA इंडिया की जो गठबंधन है वो मोदी सरकार को पूरी तरीके से कैसे हटाया जाए उसकी तैयारी को लेकर एकजुट हो गई है। और उन लोग अब जो INDA गठबंधन है वो पूरी ताकत से आज से और मजबूत से, खगड़े साहब ने इसे प्रेस वार्ता में कहा, और आगे अब कार्य करने के लिए हम लोग तैयारी में हैं।